हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज अ रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव फिनिश्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी. नाउ वी आर मूविंग ऑन रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन या रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ठीक है बेटा, तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ठीक है, व्हेन दे कंबाइन विद द हाइड्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, हाइड्रोजन की 1. फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, दैट इज NH3. तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन NH3, सिमिलरली फॉस्फोरस PH3, आर्सेनिक ASH3, SB SBH3 और बिस्मथ BiH3. क्लियर है इतनी बात. तो बेसिकली जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो बेसिकली इसको बोला जाता है दैट इज हाइड्राइड्स. ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्ट कर रहा है एज एन नॉन मेटल हाइड्रोजन. ठीक है, तो डैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. ठीक है, तो अब हमने पढ़ना है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे कैसे ऑर्डर आपका रिएक्टिविटी का इफेक्ट होता है. तो फर्स्ट है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड. ये सारे क्या बना रहे हैं, दीज आर द हाइड्राइड्स. तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी बेसिकली. अब देखिए यहाँ पर जैसे कि NH3 इज मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. यहाँ पर जैसे कि मैं बात करती हूँ कि अगर मैं NH3 टू BiH3 मूव करती हूँ तो वो क्या कह रहा है, जो NH3 है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरेटिवली टू BiH3. क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है. छोटा होने की वजह से वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक ईजिली नहीं हो पाएगा तो इट मीन्स डैट इज मोर स्टेबल. और बॉन्ड ब्रेक ईजिली क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है, जब साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है. बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट, हैंस डिफिकल्ट टू ब्रेक, सो इट इज मोर स्टेबल. तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर कैसे आएगा, फिर ऑर्डर इस तरीके से आना चाहिए, डैट इज NH3, PH3, ASH3, नेक्स्ट SBH3 एंड देन BiH3. दैट इज़ अ ऑर्डर. क्यों, क्योंकि जो अमोनिया है डैट इज मोर स्टेबल एज कंपेरेटिवली टू द BiH3. क्लियर है. नेक्स्ट सेकेंड थिंग, रिड्यूसिंग करेक्टर. रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इन अदर टर्म्स अगर मैं रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करूँ क्या होता है, डैट इज अ मोर द टेंडेंसी टू लूज द हाइड्रोजन. जितनी किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है हाइड्रोजन को लूज करने की, उसका क्या होगा, बेसिकली रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब मोर द टेंडेंसी टू लूज द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रिमूव करना जितना जल्दी होगा उसका रिड्यूसिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन. तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ और बिस्मथ की बात करूँ ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो कौन सा जल्दी हाइड्रोजन लूज कर देगा, नाइट्रोजन की बिस्मथ. बिस्मथ क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है. साइज बड़ा होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, तो ये उतनी ही इजिली क्या कर देगा, वहां से हाइड्रोजन को लूज कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, अगर मैं हाइड्राइड्स के अकॉर्डिंग बात करूँ, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. तो किसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होगा, BiH3 का कि NH3 का, दैट इज BiH3 का. तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ऑर्डर. क्लियर आ रही बात समझ, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, BiH3 देन SBH3 देन ASH3 देन PH3 और लास्ट में क्या हो गया, अमोनिया का सबसे कम. जैसे मर्जी डाल दो ऑर्डर, समझ आ रही बात, जैसे मर्जी लिख सकते हो. क्लियर है. थर्ड, बेसिक करेक्टर. बेसिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, वैसे बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गिव द OH नेगेटिव आयन. तो अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन तो है नहीं, तो हम हाइड्रोजन के कंसेप्ट में अगर इसको अप्लाई करें, अब अगर मैं बात कर रही थी एसिडिक करेक्टर क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा, तो बेसिक क्या होगा उसका अपोजिट, कि जो H पॉजिटिव आयन लेट देगा. तो इनमें से अगर हम बात करें, H पॉजिटिव आयन लेट जो देगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा. अगर मैं इनमें से बात करूं, NH3 लेट H पॉजिटिव आयन देगा कि BiH3. NH3 क्यों देगा सौरभ, NH3 लेट,
का साइज क्या होगा, छोटा होगा कंपैरेटिवली टू BiH3। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी एच पॉजिटिव आयन को लूज करने की क्या होगी, कम होगी कंपैरेटिवली टू BiH3। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा, विच हैव अ लो टेंडेंसी टू गिव द एच पॉजिटिव आयन, दैट शो द बेसिक करेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा NH3 का, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, NH3 TH3 देन AsH3 देन SbH3 एंड देन BiH3। क्लियर है इतनी बात, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन या रिएक्शन विद हाइड्रोजन कर लोगे, हो जाएगा, इजी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन, कि अब अगर ये वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या जो वैलेंसी होती है मैक्सिमम कौन कौन सी शो होती है, 3 और 5 यही शो होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इन सबको एलिमेंट्स मान रही हूँ, ठीक है, और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, और किसके साथ रिएक्ट करा रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, 2। इस एलिमेंट कौन सा, ग्रुप 15, इनकी वैलेंसी हमने पढ़ी थी पीछे से, 3 या 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वैलेंसी भी वही होगी ना इसकी। अगर नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड 5, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये वैलेंसी आ गई, या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये वैलेंसी होगी इसकी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट में बात करूँ कि फर्स्ट वैलेंसी मैं क्या लेकर चल रही हूँ, 3, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, E2O3, हियर इज E2O3। अगर मैं सेकेंड बात करूं, नेक्स्ट वैलेंसी क्या है, 5, इसकी कितनी है ऑक्सीजन की, 2, E2O5। क्लियर इतनी बात, E2O5। तो दो टाइप के ऑक्साइड जनरली आपको देखने को मिलते हैं जब आप इन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, वो कौन कौन से, E2O3 और E2O5। कैसे, अगर मैं नाइट्रोजन ले लूँ तो नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा, दैट इज N2O3 और N2O5 मैक्सिमम। क्लियर, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ N2O3 N2O5। नेक्स्ट फॉस्फोरस क्या शो करेगा, P2O3 P2O5। AS क्या शो करेगा, AS2O3 AS2O5। SB क्या शो करेगा, SB2O3 SB2O5। और बिस्मत क्या शो करेगा, Bi2O3 Bi2O5। क्लियर, ऐसे ही आएगा ना, Bi2O5। बट यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि जैसे जैसे आप मूव करते हो तो बिस्मत Bi2O5 फॉर्म नहीं करता, उसका भी हम रीजन पढ़ेंगे कि क्यों फॉर्म नहीं करता। क्लियर है, क्लियर, ये इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। और नाइट्रोजन बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कितनी शो कर सकता है, दैट इज -3 2 + 5। इसलिए ये इतने सारे कंपाउंड्स दिखाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूँ नाइट्रोजन की, कितनी होगी, दैट इज +1। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर NO2 में 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। क्लियर है, तो इस तरीके के आपको ये क्या मिलते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस तरीके के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनको नाइट्रोजन के इतने सारे याद ना हो तो सिर्फ ये तो याद रख सकते हो ना, ये किस तरीके का ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरीके के कंपाउंड मैक्सिमम फॉर्म करेगा, E2O3 एंड E2O5। ठीक है, ई मतलब एलिमेंट, कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, अब बेसिकली बेटा क्या बात होती है कि जो ये ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, ऐसा देखा गया है कि दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने N2O3 लिया, इसको वाटर के साथ जब कंबाइन करा तो यहाँ से क्या बना, नाइट्रस एसिड। जैसे मैं N2O5 ले रही हूँ, इसको वाटर के साथ कंबाइन कर रही हूँ तो क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से क्या बन रहा है, दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड। तो आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड एसिडिक है नेचर में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया N2O3 और N2O5 दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, N2O3 की अलग और N2O5 की अलग। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ, 2x + 3 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 = 0, 2x - 6 = 0 और x = 3। क्लियर, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी आएगी, 2x - 10 = 0 और x = 5। क्लियर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज़्यादा है, N2O3 की कि N2O5 की, N2O5 की। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। दैट इज द ट्रिक।
समझ रहे हो? तो हम से अगर पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो कोई भी कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। आ रही है बस समझ, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव कर रहे थे, सारे के सारे एलिमेंट्स बेसिकली E2O3 और E2O5 फॉर्म कर रहे थे एक्सेप्ट द बिस्मथ, कि बिस्मथ Bi2O5 फॉर्म नहीं कर रहा था। उसका रीजन हमने पढ़ा था बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या एंटर हो जाते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट एंटर हो जाते हैं, और ये अगर सेकंड पीरियड से, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तो यहाँ पर क्या आएगी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, डेट इज 6s2 6p3, यही आएगी। ठीक है, तो उससे पहले क्या है आपके पास, बेसिकली 5d और 5f के ऑर्बिटल एंटर हुए हैं, जिसकी वजह से जो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। तो अगर आपके पास, अगर मैं कहती हूँ ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ अ न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास spd और f ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास ये 6s2 6p3 है, तो यहाँ पर अगर ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, दिस वन अगर मैंने बोल दिया 6s और ये क्या पढ़ा हुआ है 6b, इससे पहले क्या पढ़ा होगा F और नीचे 5d, तो इनका तो क्या हो गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया, ये वाला जो शेल हुआ ये क्या हो गया, इस न्यूक्लियस के उतने ही क्लोज आ गया, तो ये बॉन्ड में फॉर्मेशन में टेक प्लेस नहीं करेगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है लूज नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पर जो तीन इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, इजिली रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से जितने तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो ये उसकी वैलेंसी कितनी शो होगी, तीन वाली, तो इसीलिए ये Bi2O3 बनाएगा, Bi2O5 नहीं बनाएगा, क्योंकि 5 तो तब बनाएगा ना अगर टोटल 5 के 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, समझ रहे हो? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो एस इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में टेक प्लेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ये तीन ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, सिर्फ Bi2O3 Bi2O5 नहीं बना पाते। क्लियर है? कर लोगे? कोई डाउट यहाँ तक हो जाएगा? तो इस लेक्चर में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड सेकेंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ये हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन मीन टाइम बेटा कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।